Hi Sharks. Hello. Hello. Welcome to Shark Tank. Oh, good one. Very nice. मेरा नाम सत्यजीत मित्तल है. मैं अरेटो का CEO और फाउंडर हूँ और मैं पुणे से आया हूँ. अनुपम, आपका शू साइज क्या है? 8 US. अगर मैं आपको साइज 9 या 10 दे दूं और पूरा दिन ऑफिस भेज दूं तो आपको कैसा लगेगा? लूज लगेगा. लूज लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, करेक्ट. बट बचपन में तो यही होता था. मम्मी पापा जब हमें शूज खरीदते थे तो एक उंगली आगे रखकर हमेशा एक साइज बड़ा खरीदते थे और फिर मोटे मोटे सॉक्स पहनाकर आगे स्टफिंग डाल के या फिर लेसेस कस के टाइट करके बस किसी तरह फिट करा देते थे. बच्चों के पैर 1 से 10 साल की उम्र में इतने रैपिडली ग्रो होते हैं और पेरेंट्स हर 3 से 6 महीनों में नए जूते नहीं खरीदते. दुनिया में इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बने बट किसी भी ब्रांड ने बच्चों के लिए जूते नहीं बनाए. उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली अडल्ट शूज को श्रिंक डाउन करके उनका छोटा वर्जन बना दिया और बच्चों को पहना दिया. हम बात कर रहे हैं 110 करोड़ बच्चों की जो लगभग दुनिया में है समय 1 से 10 साल की उम्र में. तो बच्चों के साथ ये रोज जागती क्यों हो रही है? यहीं से हमारी सोच शुरू हुई. हम चाहते थे कि हम हर एक बच्चे को एक परफेक्टली फिटेड शू पहनाएं. इसीलिए हमने 2 साल की लंबी R&D और अनगिनत फुट ट्रायल्स के बाद बनाया अरेटो. अरेटो दुनिया का पहला ब्रांड है जो अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा शू बनाता है जो बच्चों के पैरों के साथ 3 साइजेस तक ऑर्गेनिकली ग्रो करता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. इस टेक्नोलॉजी को पॉसिबल करते हैं 3 एलिमेंट्स. हमारी सुपर ग्रूव्स टेक्नोलॉजी जो नेचर से इंस्पायर्ड है. जैसे एक बड फ्लावर में ब्लूम करता है वैसे ही अरेटो के सुपर ग्रूव्स बच्चों के पैर के साथ धीरे धीरे ब्लूम करते हैं. दूसरा इसका इन्फिनेट फैब्रिक जो एक 3D नेटेड फैब्रिक है जो काफी स्ट्रेचेबल और ड्यूरेबल है. और तीसरा इसका स्क्विशी फोम जो बच्चों की पैर के शेप ले लेता है और उन्हें सपोर्ट करता है कुशन के साथ. और लास्टली ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है. तो इन्हीं सब चीजों के और डिजाइन फीचर्स के कारण अरेटो बनता है एक हाईली एर्गोनॉमिक शू जो बच्चों के 3 साइजेस की ग्रोथ में परफेक्टली फिट होता है. पिछले 11 महीनों में हमने 20,000 से भी ज़्यादा जूते बेचे हैं. ये जूते हमने अपनी वेबसाइट से बेचे और अभी रिसेंटली हम मार्केट प्लेसेस पर भी आए. बट यही नहीं, 4 महीने पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया. हमने अपना पहला EBO खोला पुणे में और वो बहुत सक्सेसफुल रहा. तो शार्क्स, हमारी आस्क है 80 लाख फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी. बट ये आस्क एक छोटी आस्क नहीं है. ये आस्क है इनोवेशन की. ये आस्क है इंडिया को आगे ले जाने की और फुटवेयर में डिसरप्शन लाने की. क्या आप हमारी क्रांति को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं? Right. सत्यजीत, तुमने कहा 11 महीने पहले यू स्टार्टेड सेल्स. तो कंपनी भी 11 महीने पहले शुरू हुई थी? नहीं सर, कंपनी शुरू हुई 2020 में. ओके सर, एक बात मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ. हाँ जी, थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ फिर आगे चलते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं कहाँ से आया हूँ. इसको कहते हैं कंट्रोल द नैरेटिव. चलो सत्यजीत, आप अपनी स्टोरी बताइए. तो मैं इंडिया में बहुत जगह रह चुका हूँ. मेरे फादर आर्मी में नहीं बट सेल्स आर्मी में थे. मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का बैंक था. मतलब मेरी फेवरेट क्लास थी क्ले मॉडलिंग. मैंने अपने 3rd ईयर कॉलेज में एक प्रोडक्ट बनाया था स्क्वाट ईज. एक प्रोडक्ट बना के आप भूल जाते हैं, मैं उसे भूल गया. लेकिन मैंने एक डिज़ाइन अवार्ड के लिए अप्लाई किया वर्ल्ड में जिसका नाम है IF प्रोडक्ट डिज़ाइन अवार्ड जो कि एक बहुत ही बड़ा जर्मनी का अवार्ड है. आई एम अ विनर ऑफ IF. वेरी नाइस. एंड देन आई वन द रेड डॉट. Oh, very nice. Then I won Good Design Award Japan. ये स्क्वाट चीज क्या है? एक इंडियन टॉयलेट था जिसको मैंने इनोवेट किया और उस पे इंक्लाइन प्लेन डाला 15 डिग्री का. तो आप इस पे उल्टा नहीं बैठ सकते और 430 मिलियन लोगों को टॉयलेट जाने की आदत ही नहीं थी. तो उन्हें पता नहीं था प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है. तो हमने कुंभ मेला में ये लॉन्च किया. देन आई अंडरस्टूड कि UX ऑफ अ टॉयलेट क्या होना चाहिए. ये मेरा प्रोजेक्ट था. आई थिंक आप इस पे आ जाते हैं अरेटो पे. नहीं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं सिरेमिक फैक्ट्री में वॉक करता था मुझे पता था स्क्वाट ईज़ वाज अ 1% कंपनी. मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बेचने तक और उसको लाइसेंस करने तक 2020 में मैं अकेला आदमी था. चल भाई, थोड़ा जल्दी कर. आपने डैड से अच्छा सीखा है सेल्समैनशिप, बट कभी-कभी ओवर सेल्स हो जाती है ना? तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के पैर तो बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। वर्ल्ड की कोई भी फुटवेयर कंपनी जो किड्स शू बनाती है उसका नाम मैं तो बोलने ही नहीं दे रहा यार। जो सहूलियत आप दे रहे हैं उस पे बाद में आएंगे, बेटर क्या उस पे बाद में आएंगे। क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वर्क कैसे? प्रोडक्ट दिखा दो। तो जब तक ये प्रोडक्ट दिखाते हैं, आई हैव मेट अरेटो बिफोर। ओह रियली? जब इन्होंने बेचना शुरू ही किया था जी, एंड वी वर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ पुटिंग इन मनी। वाओ यस, बट यू वर वर्किंग विद माय टीम यस ऑन फाइनेंशियल पेपर, और कहीं लास्ट मोमेंट पे इट गॉट ड्रॉप फॉर व्हाटएवर रीजन। भाई शूज तो कंफर्टेबल है तेरे, कुछ तो अलग है। एंड द सोल इज नाइस। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमने वो 50 मिनट फोन पे बात करी थी उसने मेरे 11 महीने बदल दिए। मैं आपके पास आता हूं। चलो थैंक यू भाई, तो सेल्समैन तो सॉलिड है सत्यजीत। इट्स अ नाइस नेम एंड नाइस लोगो। थैंक यू सो मच। एंड द डिजाइंस आर लवली। थैंक यू सो मच। ये बट साइज शायद एक आध साइज ही फ्लेक्सिबल होगा राइट के? Ma'am, you can see it. वहाँ तक जा सकता है। It seems that you're pushing the envelope वहाँ पे। Same shoes, 3 sizes में आप कोई भी शू निकाल के किसी भी इसमें डाल सकते हैं। But वो comfortable feel होगा। 20,000 बच्चों को बेचा है और 8% repeat है। Product frequency 11 महीने की। ये shoes same है? Same size है। तो size तो होगा ही नहीं फिर आपका मतलब है कि? नहीं, हम सर 15 SKUs of sizing को 5 SKU में ले आते हैं। जब when you go from first to third, एकदम ऑनेस्टली बताना जी, मेरे को सेल्समैनगिरी मत करना जी, बिल्कुल। यहाँ पे समझदारी से ही काम होगा। 1 से 3 जब जाते हैं कंफर्ट क्या रिड्यूस होता है थोड़ा बहुत? नहीं सर। तो ये आपका दावा है ये कंफर्ट कम नहीं। मैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहता हूँ बिकॉज माय सन यूजेस दीस शूज। एक टाइम आता है कि जब ये थोड़ा सा टाइट लगने लगता है हमको माँ बाप को। हमने 1 साल के बियॉन्ड क्या 6 महीने के बियॉन्ड भी फेल्ट की एक साइज बड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है फॉर अरेटो शू। अच्छा, क्योंकि यार अभी बच्चा थोड़ी ना आपको बताएगा टाइट है या लूज है, वो निकाल देता है बस बच्चा। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो हमारी यूजर से हमें इनसाइट मिली है, क्योंकि हमारी R&D टीम पूरी इन हाउस है और हम यही डेवलप करते रहते हैं। तो जो फर्स्ट इनसाइट हमें 11 महीने में मिली है कि जो S0, S1 और S2 साइज है उनमें हम एक प्रोडक्ट को हमने थोड़ा सा स्लाइटली मोर ओपन करके 2 वेलक्रोज भी दिए हैं। और जो हमारे S5, S6, S7 साइजेस हैं जो थोड़े बड़े बच्चों के होते हैं उसमें हमने लेसिंग इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चे को कंट्रोल मिले एडजस्ट करने के लिए। जस्ट क्लैरिफाई, आपने कहा 5 साइज है, मुझे 7 दिख रहा है। वो आने वाले हैं तो हम पैकेजिंग में ऑलरेडी हमने यू आर गोइंग टू गो टू 7 S7 तक जा रहे हैं। S क्या है? साइजेस, साइज सीरीज या साइज? सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। सो सीरीज 1 इज लाइक EU 18, 19, 20। तो ये साइज ही तो है S0, S1, S2। Yes. तो वो जो बैंड्स देख रहे हैं आप उस बैंड्स में वो एक्चुअली एक यूनिक साइज होता है। और जैसे अमन पहनते हैं साइज 8 फॉर एग्जांपल, साइज 8 और 9 में वर्ल्ड वाइड 6.6 mm का फर्क होता है। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है यार, तू घुमा मत। रुक जा भाई, रुक जा, सांस ले लंबा। हमें भी क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं नहीं समझ आ रहा, तू बहुत तेज चल रहा है। S जो है ये साइज है ना सिंपल। करेक्ट। तो इतना सिंपल आंसर है इसमें, क्यों इतना घुमा के कान क्यों पकड़ता है? ऐसे पकड़ लिया। चलो बिजनेस बताइए। लास्ट मंथ हमने करीब 60 लाख किया था। इस महीने वी आर ऑन ट्रैक टू डू अबाउट 72 लाख्स। अभी 10 दिन हुए हैं, हम करीब 25 लाख नेट पे पहुंच गए। बर्न बताओ, बर्न। लास्ट मंथ हमारा बर्न करीब 11 लाख्स। वाओ, 11 लाख्स ऑन 60 लाख्स ऑफ सेल्स। यस। ये इबिटा लॉस था। ये इबिटा लॉस। और कैश फ्लो बर्न? मेरे पास इन्वेंट्री 1 महीने की थी, हम 1 महीने की इन्वेंट्री पे रोल कर रहे हैं। कैश बर्न। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर इन अ नंबर। करीब मतलब बैंक बैलेंस डे 1 एंड डे 30 में कितना डिफरेंस था? डे 1 ईयर टू डेट से अगर मैं टोटल नहीं उसी लास्ट मंथ आपने बताया ना 60 लाख की सेल थी, आपने बताया इबिटा लॉस वाज माइनस 11 लाख। तो इबिटा लॉस डजंट ऑलवेज मैच कैश लॉस बिकॉज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई लोन वोन नहीं है कंपनी पे, बस जो हमारी इन्वेंट्री चल रही है हमारे पास करीब 50 लाख की इन्वेंट्री होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने चैनल एक सेकंड रुक जाओ। आपकी चैनल स्ट्रेटजी क्या है? कहाँ से माल बिक रहा है 60 लाख का? हमारी वेबसाइट से बिकता है। कितना बिक रहा है? कैन यू ब्रेक इट अप? लास्ट मंथ करीब 30 लाख 50% वेबसाइट से आया। ओके। 12.5 लाख आया हमारे दुकान से, बाकी इवेंट्स बिजनेस देता है 10 लाख। अभी मार्केट प्लेसेस हमने बहुत नेसेंट स्टेजेस पे है तो 5-6 लाख वहाँ से आ जाता है। एक सेकंड, सेलिंग प्राइस क्या है आपका? एवरेज एओवी नेट ऑफ जीएसटी 2000। और इसमें आपकी मार्जिन्स वगैरह क्या है डिफरेंट चैनल्स की? कॉग्स, इनवर्ड और आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स मिला के हमारे पास जो बचता है वो है 57%। ओके। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन पे हम स्पेंड करते हैं करीब 609 एक्विजिशन। आगे चलते रहिए, खत्म कर दीजिए राइट टू द बॉटम। तो ये टोटल पुट टुगेदर 40% आ जाता है। CM2 बनता है करीब 630 रुपए। उसके बाद तो एबिटा लॉस करीबन -20% है। मुझे 12.5 लाख का जो आपका स्टोर है, हाँ, उसके इकोनॉमिक्स बताओगे? क्या रेंट है? 1,25,000 रेंट है। ओके। उसके अलावा इंफ्रा कैम ये सब मिला के मैं और 25,000 रुपए जोड़ता हूँ महीने के उस पे। अच्छा। एक लाख रुपए की सैलरी है, 9,900 रुपए का लाइट बिल है और कोई खर्चे हो? और हमारा बलून्स हम हर एक बच्चे को जो हमारी दुकान से 3 लाख का खर्चा मान लेता हूँ स्टोर चलाने का, तो 12 लाख। देखो ये सब क्यों करते हो आप? ये जो छोटी छोटी चीजें करते हो आप अपना नैरेटिव घुसाने के लिए, एक इररेलेवेंट सी कॉस्ट को घुसाना टू इंडिकेट कि देखो मुझे अपने नंबर अच्छे पता है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। नहीं, आई नो, पर ये मार्केटिंग टूल को आपने घुसाया इन अ यूनिट इकोनॉमिक्स कन्वर्सेशन सो दैट द कन्वर्सेशन गोज टुवर्ड्स दैट। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नैरेटिव बट व्हाट्स रॉन्ग इन इट? नो नो, आई एम आल्सो गेटिंग अ लिटिल इरिटेटेड विद दिस। फ्रॉम नाउ ऑन ट्राई क्रिस्प हो, टू द पॉइंट जवाब दो। मुझे स्टोर का प्रॉफिट बताओ कितना है? 1,50,000 था। तो एक बार मैं मोटा मोटी समझता हूँ, 12 लाख में आपका करीबन 50% तो कॉस्ट आ गया, 6 लाख कॉस्ट चला गया स्टोर के गुड्स का। 6 लाख में से 3 लाख के आपके खर्चे निकल गए जो आपने मुझे बताए, तो 3 लाख रुपए और बच गए जी। तो 12 लाख में आप कह रहे हो 1.5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो बाकी 1.5 लाख कहाँ जा रहा है? इसलिए मैंने बलून के बारे में बोला था। हाँ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक वीकेंड पे 1,000 से 2,000 बलून उड़ाते हैं, ठीक है? तो हम वो स्पेंड करते हैं। 1.5 लाख रुपए मार्केटिंग में जा रहा है। तो वो मोटा मोटी योर स्टोर इज ऑपरेटिंग रफली एट अबाउट 10% एबिटा। करेक्ट। और हर महीने सेल बढ़ रही है। हाँ जी। पहले महीने क्या सेल थी? 8 लाख रुपए की सेल, और अभी 12 लाख पे पहुंच गई। जी। आपका 7 करोड़ का सेल्स है, तो 80 करोड़ क्यों मांगा आपने वैल्यूएशन? मैंने इसमें सिर्फ B2C सेल्स की बात करी है। हमने लास्ट ईयर B2B में स्कूल शूज में भी काफ़ी काम किया था। एक ऑर्डर लिया था, वो स्कूल दोबारा रिपीट कर रहा है वो ऑर्डर, और ऑलरेडी हमारे पास POs हैं करीबन 10,000 पेयर्स के। तो आप कितने सेल्स पे एग्जिट करेंगे ये साल? 10 करोड़ के ऊपर। तो 10 करोड़ भी अगर हुआ तो 8 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? अभी तक कितना हुआ ये साल में? ईयर टू डेट हम 3 करोड़ कर चुके हैं। ये 4 महीने बाकी, आपको पता है। जी। 7 करोड़ हो जाएगा, और 7 करोड़ और कर लोगे। जी। इम्पॉसिबल। But anyway, ARR की बात कर रहा था मैं। सॉरी, ये क्लियर कीजिए। I'm so sorry, ARR की बात कर रहा था। ARR यानी एनुअल रेवेन्यू रन रेट एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है जहां आप मंथली रेवेन्यू लेकर अगले 12 महीने के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप यंग कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंथली रेवेन्यू है 10 लाख, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और ARR बन गया 1.2 करोड़। आपका एक्चुअल सेल्स वो FY24 कितना होगा? करीब 6.5-7 करोड़ पे क्लोज करेंगे। तो 7 करोड़ मतलब 11 टाइम सेल्स क्यों मांगा आपने? मैं करंटली एक राउंड रेस कर रहा हूँ जो 6.5 करोड़ का है, और उसमें ये 80 लाख ऐड होगा, तो जो बाकी का कमिटमेंट है। That is at 80 crore valuation. That is at pre-money 72, अगर उसमें 6 to 8 करोड़ ऐड करेंगे। Is it just friends and family की कोई बड़ी फंड आ रही है? कुछ अल्ट्रा HNIs हैं जो काफी अभी तक सिर्फ HNI है। हाँ जी। कितने की कमिटमेंट हो गई 6.5 करोड़ में? 4 करोड़ के चेक्स मुझे मिले हैं HNI से, जो की मिल गए, कैश आ गया। नहीं, बैंक में नहीं आया। चेक्स मिले का क्या मतलब होता है? मतलब हम वो राउंड क्लोज कर रहे हैं करीब 25 दिसंबर को। तो क्या है, कमिटमेंट है कि चेक आ गया? इज इट इन द बैंक? कमिटमेंट है। कोई कोफाउंडर्स हैं? मेरे साथ मेरी एक कोफाउंडर है, शी जॉइंड अस 1.5 इयर्स लेटर। कोफाउंडर है सच में कि एम्प्लॉय? नहीं, शी इज ऑन ईसा। मैंने 8% कमिट किया है उसको। सच बताया जी। इज शी अ कोफाउंडर और नॉट? शी इज अ फाउंडिंग, शी इज अ फाउंडिंग मेंबर। क्या बंदा है यार तू भाई। भाई यार को-फाउंडर और फाउंडिंग मेंबर में फर्क होता है। अगर ये ठीक से नहीं पूछते तो तू बताता ही नहीं। तुम यार फिसलते रहते हो यार, क्या बात क्या है यार, नर्वस हो क्या है? मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है, ओवर स्मार्ट। हर क्वेश्चन में तुम ये कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले को सुनना क्या है। That's what you're trying to do, not what is the truth. Why are you trying to gauge कि मुझे क्या सुनना है? नहीं, मैं आपसे इतना सिंपल सवाल, co-founder है, Again. आपने 3 definition दे दिए उसके। मेरे को बंदा तो बिल्कुल पसंद आया, मेरे को तो नौटंकी लगा बहुत बड़ा। तूने किसी की नहीं सुनी, कान ऐसे ने तो ऐसा पकड़ रहा था। I'm not saying you might not do well, you might be the next Crocs or the next Nike, I don't care. But you and I can't relate to each other for some reason. Thank you so much. I'm also out of this. I'll tell you why. आज आपकी Shark Tank पे डील होगी, जैसे हमारी डील हुई। आप अब मेरे पास आए थे तो आपका रेवेन्यू नहीं था, यू वर प्री रेवेन्यू, राइट? प्री रेवेन्यू मैंने आप पे 1 करोड़ रुपए, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बेट किया और मैंने कहा मुझे 10% इक्विटी चाहिए। You were fixated कि नहीं नहीं मेरे को तो 15 करोड़ चाहिए and you found some HNIs, ultra HNIs. हम तो शार्क हैं, हमें पता है कैसे चलता है। On 0 revenue I gave you 1 crore. अब of course यहाँ पे भी आप डील करेंगे, डीडी में टाइम लगेगा, 1.5-2-3 महीने लगता है, राइट? इस दौरान आपकी सेल हो गई 60 लाख से 80 लाख, राइट? अब आपने वो राउंड नहीं क्लोज किया, ठीक है? चलो आपकी सेल हो गई तब तक 15 लाख, फिर भी 2 करोड़ पे आई वॉज गिविंग यू 5 times revenue. जो शार्क टैंक के हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। You said अब मुझे कम पैसे चाहिए, I agreed to कम पैसे। फिर भी you didn't close it। अब यहाँ पे आप डील करोगे, फिर जाएंगे आपको कोई अल्ट्रा HNI दे देगा 80 करोड़ पे, फिर आप यहाँ पे बोलोगे डील कम हो गई। तो ये जो बात अमन ने बोली है ना, प्रॉब्लम घूम फिर के वही आ रही है कि यू हैव टू समवेयर स्टिक टू बी ऑथेंटिक। बट आई एम आउट। शूज जो है इसका डिसीजन मेकिंग हैज गॉन टू अ लार्ज एक्सटेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स। ओके, बच्चों को इतना कंफर्ट या लॉन्जेविटी के 3 साल चले, 3 साइजेस चले में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें या तो वो सुपरमैन चाहिए या लाइट्स चाहिए या फिर स्पोर्ट शूज चाहिए। तो आई थिंक इसका एबिलिटी टू स्केल में मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रॉम अ कंज्यूमर माइंडसेट पर्सपेक्टिव, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। जो आप प्राइसिंग पे बैठे हैं आज 2,500 रुपए, मतलब मैं तो 700-800 में खरीद लेती हूँ, एंड क्योंकि अलग अलग डिजाइन आ जाते हैं, तो अगर मेरे में 3 जूते आ जाएंगे इतने में, तो ये जो यूटिलिटी वाला एंगल है कि ग्रोइंग फुट के लिए, वो इतना यू नो इट मे नॉट मेक सेंस। तो फाइनली दिस बिजनेस जो है वो बॉयल डाउन कर जाएगा डिजाइंस एंड कितने गुड लुकिंग फैशनेबल जूते आप बना पाएंगे। पर आपकी मेकिंग कॉस्ट बहुत हाई है, 600-700 रुपए पे आप बैठे। लॉन्ग टर्म में चैलेंज होगा, पर शायद आपका ईबीओ स्ट्रेटजी वर्क करे, पर आज मैं इसमें बैठ नहीं ले पाऊंगी। तो फॉर दैट रीजन आप जो वो सत्यजीत था ना जिसने टॉयलेट सीट बनाई, वो आज वो सत्यजीत नहीं है जो सामने। दैट्स द प्रॉब्लम। आपको जाना है वापस वही सत्यजीत के पास। आज द वर्ड ऑफ द ईयर इज ऑथेंटिक और वही आप लूज कर दिया। I'm out and good luck. Thank you so much, Shah. चलिए, best of luck. I think कुछ miscommunication हुआ, वो चीजें बता नहीं पाया जो मैं बताना चाहता था। एक तरीका भी होता है बोलने का जो मेरा तरीका है शायद, तो शायद वो फिट नहीं हुआ होगा शाह के साथ। मैं जूते बेचता है लेकिन हवा में उड़ता है। सच्चा होना बहुत जरूरी है। आज तुम हमारे सामने सच्चे नहीं होगे तो तुम आगे अपने डॉक्यूमेंट्स में सच्चे हो ना हो मुझे नहीं पता। अगर आप फिर आगे जाके आप कस्टमर्स को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, आप सच्चे हो ना हो, तो ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और वही मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी थी वहाँ।